तो दोस्तों फाइनली भारतीय वायुसेना की जो मेहनत है वो रंग लाई है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के लिए नए फाइटर जेटों की खरीदी को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। और इस प्लान के अंतर्गत न सिर्फ भारत के स्वदेशी फाइटर जेट ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्पादित किए जाएंगे, बल्कि उनको सेना में भी जल्दी से जल्दी शामिल किया जाएगा। दरअसल आज एडीए की चीफ की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया, जिसमें उन्होंने भारत के तेजस MK2 को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि तेजस MK2 के 108 जो यूनिट हैं, वो सबसे पहले वायुसेना में 2028 से 2030 तक शामिल कर ली जाएंगी, और 6 स्क्वाडन की संख्या में तेजस MK2 भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। वहीं पर प्रोडक्शन रेट की बात करें तो HAL प्रत्येक साल के हिसाब से 21 तेजस MK2 को बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है, यानी वायुसेना को पर ईयर के हिसाब से 21 तेजस MK2 फाइटर जेट मिल पाएंगे। अब दोस्तों आप सभी इस बात को जानते हो कि तेजस MK2 इसी साल के अंत में रोल आउट हो जाएगा और अगले साल 2023 में इसके उड़ान परीक्षण कंप्लीट होने हैं। और इसके बाद में एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई है, तेजस के MK2 के एक बेहद ही एडवांस वर्जन तेजस MK2 ब्लॉक 2 को लेकर। दरअसल भारतीय वायुसेना के पुराने फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए तेजस MK2 का ब्लॉक 2 वर्जन बाद में तैयार किया जाएगा, जिसकी जो कंफर्मेशन है वो 2030 के बाद में आपको मिल जाएगी। और वायुसेना इसकी 4 स्क्वाडन यानी 18x4 यानी 72 तेजस MK2 के ब्लॉक 2 वेरिएंट को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, और वायुसेना चाहती है कि तेजस MK2 का ब्लॉक 2 जो वेरिएंट है वो तेजस MK2 के पहले वाले वेरिएंट से काफी ज्यादा एडवांस और टेक्टिकल फाइटर जेट होगा, क्योंकि तब तक भारतीय वायुसेना इसमें कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कराएगी HAL से। और इस प्रकार से तेजस MK2 के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को मिलाकर 180 की संख्या में तेजस MK2 भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। फिलहाल में इस पूरे वीडियो का जो रेफरेंस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।